नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज हुई है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 40,000 तक बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। वहीं रिकवरी दर की जब हम बात कर रहे हैं तो रिकवरी दर 67% के आसपास है। ऐसे में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर यह बताया गया है कि आखिर क्यों गड़बड़ियां हो रही हैं। बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, लेकिन उस पर काबू पाने में चिकित्सकों का जो मनोबल है वह गिरा हुआ है इन दिनों। क्यों गिरा हुआ है, तस्वीर देखिए किस तरीके से। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में मिलने वाली शिकायतों का तेजी के साथ निपटारा करने का आदेश दिया है ताकि परेशानी में पड़े लोगों को राहत मिल सके। ऐसे में IMA की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में साफ साफ ये बताया गया है, वर्तमान में बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य व अधीक्षक द्वारा इस कोरोना काल में अभूतपूर्व एवं सराहनीय कार्य किया जा रहा है। श्री उदय सिंह कुमावत, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग का व्यवहार चिकित्सकों के प्रति उदासीन है एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से चिकित्सकों में रोष की भावना उत्पन्न हो रही है। इसलिए IMA बिहार आपसे अनुरोध करता है कि इनके स्थान पर पूर्व के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार को पदस्थापित किया जाए, जो चिकित्सकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे एवं उनके व्यवहार के चलते IMA बिहार के सदस्यों में उत्साह की भावना थी। इसका मतलब व्यवहार जो है उदय सिंह कुमावत का चिकित्सकों के प्रति उदासीन है। साफ साफ ये बताया गया है कि चिकित्सक जो है वो उदास हैं, मनोबल उनका गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार IMA राज्य के सभी चिकित्सकों, सरकारी और निजी से अपील करता है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान, कठिन दौर में राज्य के लोगों की अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने का प्रयास करें। लेकिन उदय सिंह कुमावत को लेकर के कहीं ना कहीं खुश नहीं है बिहार के जो चिकित्सक हैं, और ये चिट्ठी IMA के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी गई है, नीतीश कुमार तक भिजवाई गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है, स्वास्थ्य मंत्री बिहार को भी भेजी गई है और मुख्य सचिव बिहार को भी इस पत्र से अवगत कराया गया है। साफ साफ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आप देखते हैं बिहार स्टेट ब्रांच की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये चिट्ठी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाई है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। बिहार में यदि कोरोना को हारना है तो नीतीश कुमार को यह काम करना होगा। प्रधान सचिव जो कि स्वास्थ्य विभाग के फिलहाल हैं उदय सिंह कुमावत, उनसे खुश नहीं है। साफ साफ चिट्ठी लिखकर बताया गया कि उदासीन हैं जितने चिकित्सक हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हॉस्पिटल से चिकित्सक हों, डॉक्टर्स हों, उन सभी का जो मनोबल है कहीं ना कहीं इससे गिर रहा है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की गई है कि जो पहले प्रधान सचिव थे संजय कुमार, उन्हें वापस लाया जाए ताकि कार्यशैली में फुर्ती आ सके और जो कार्य जैसे पहले हो रहा था तेजी के साथ, आपको पता है पहले भी आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे में बिहार सरकार को जो ये चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया है, संजय कुमार जो कि प्रधान सचिव थे फिलहाल, उन्हें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का प्रधान सचिव बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ज़रूरतें हैं वह बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इससे अवगत IMA ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है। तो यदि बिहार को कोरोना से बचाना है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि उदय सिंह कुमावत को लेकर के कई बार शिकायतें जो हैं वो निकल के आती हैं और अब तो साफ इस चिट्ठी में झलक गया है। तो क्या इसके बाद सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कैबिनेट की जब मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को साफ साफ ये कहा था, फटकार लगाई थी कि काम जो है यदि ठीक से नहीं होता है, यदि जांच की रफ्तार जो है वह अन्य शहरों की तरह जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई हो, उन सभी शहरों की तरह नहीं बढ़ती है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, काम को ठीक से करना होगा। इन सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री भी खुश नहीं दिख रहे थे। तो क्या एक बार फिर से संजय कुमार को स्वास्थ्य विभाग का पदभार मिलेगा? लाइव सीरीज खबर बने रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत करा दिया गया है, देखते हैं आगे फैसला क्या कुछ निकल के आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।